हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल अनेक एजुकेशन पॉइंट। माय सेल्फ हिना टक्कर और आज हम बात करने वाले हैं कंपनी लॉ के बारे में। जी हाँ, कंपनी लॉ जो है आप लोगों का सब्जेक्ट है, जो कि स्टूडेंट बीकॉम कर रहे हैं, बीबीए कर रहे हैं, बीए कर रहे हैं, व्हाटएवर, अगर आपका कंपनी लॉ सब्जेक्ट है और आप लोग इग्नू के स्टूडेंट हैं जिसका कोड BCOC135 है, BCOC135 राइट, या फिर आप लोग किसी भी यूनिवर्सिटी से और कंपनी लॉ के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देखना चाहते हैं और कम टाइम के अंदर बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली ये टॉपिक जरूर से जरूर करके जाएं, डेफिनेटली। सो आज हम स्टार्ट करेंगे और मैं इसमें हो सकता है ज्यादा टॉपिक भी आप लोगों को लगे, बट इसके अंदर शॉर्ट नोट्स जो होते हैं उसके अंदर 3 या 4 हर साल अलग अलग पूछे जाते हैं, जिसकी वजह से जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसकी लेंथ थोड़ी सी बड़ी हो जाती है। सो यू डोंट वरी अबाउट दैट। आप लोगों को मेजरली मुझे हर एक चीज बतानी है और इसको करने के बाद डेफिनेटली आप अच्छे मार्क्स ला सकेंगे। 99% के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे कि मैं हर वीडियो में कहती हूँ, 1% अगर एग्जामिनर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं देता है, क्वेश्चन घुमा देता है, तो भी आप पेपर अटेम्प्ट कर पाएंगे, पास हो जाएंगे अच्छे मार्क्स के साथ। उसके लिए आपको करना क्या है, नोट्स खरीदने हैं, नोट्स आप परचेज कर सकते हैं, साथ ही साथ आप लोग जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस परचेज कर सकते हैं, साथ ही साथ आप लोगों को कोर्स वगैरह परचेज करना है तो वो भी आपको मिल जाएगा बिल्कुल रिजनेबल प्राइस पे। सो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, ये कोई कंपल्सरी नहीं है, बट आप लोगों की मर्जी, आप ले भी सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले BCOC135 के जो प्रीवियस क्वेश्चंस हैं, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, बहुत सारे क्वेश्चन पेपर एनालाइज किए हैं तभी मैं ये टॉपिक्स आप तक पहुंचा रही हूँ। सो सबसे पहला आता है पब्लिक कंपनी, राइट। तो आपको कंपनी के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है। तो पब्लिक कंपनी हो गया आपका एंड प्राइवेट कंपनी, राइट, प्राइवेट कंपनी, इन दोनों का डिफरेंस आपको बहुत अच्छे से करके जाना है, क्योंकि अगर आप लोग इसका डिफरेंस करके जाएंगे तो उसके 2 फायदे हैं, प्राइवेट कंपनी के बारे में और पब्लिक कंपनी के बारे में, दोनों के बीच का डिफरेंस कर लिया तो सिर्फ अगर प्राइवेट के बारे में पूछे तो भी आंसर आता है, इसके बारे में पूछे तो भी आता है, इसके एग्जाम्पल या इसकी थ्योरी कुछ भी पूछे तो भी आपको डेफिनेटली आता होगा, डिफरेंस ना थोड़े जल्दी से याद हो जाते हैं, राइट। उसके बाद आता है कुछ स्टेप्स होते हैं कन्वर्जन के, कि अगर हमें प्राइवेट टू पब्लिक में कन्वर्जन चाहिए तो क्या होता है, पब्लिक टू प्राइवेट, ये सारे के सारे स्टेप्स जो फॉलो होते हैं वे काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत अच्छे से करके जाना है। MOA बहुत अच्छे से करना है, जिसका पर्टिकुलर एक चैप्टर भी है, इसको बहुत अच्छे से करके जाना है, इसमें काफी सारे क्वेश्चंस बनते हैं। और उसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो क्या है, टाइप ऑफ प्रोस्पेक्टस, ये तो आपको कोई भी पूछा जा सकता है, जितने भी हैं वो आपको सारे के सारे पढ़ के जाने हैं। इनफैक्ट मैंने वन शॉट में सारे के सारे समझाए हैं, मैं ट्राई करूंगी कि वन शॉट जो है वो आप लोगों तक जो लिंक है उसका टेलीग्राम पे मिल जाएगा। जो भी स्टूडेंट टेलीग्राम पे ऐड नहीं है, टेलीग्राम सबसे जल्दी पहले आप उसको ज्वाइन कर लें, क्योंकि वहां पे बहुत सारे अपडेट्स मिलते रहते हैं, इंस्टाग्राम पे भी मैं अपडेट्स देती रहती हूँ। अच्छा, टाइप ऑफ प्रोस्पेक्टस में मैं 2-3 बताना चाहूंगी, जैसे कि डीम्ड पूछा गया था और रेड हायरिंग भी पूछ लेते हैं, ठीक है, और ऐसे इस तरीके से आपके जो टाइप्स ऑफ प्रोस्पेक्टस हैं वो आप बहुत अच्छे से करके जाएंगे। नेक्स्ट आता है हम लोगों के अलॉटमेंट्स ऑफ कॉल से क्वेश्चंस उठाए गए हैं, वैसे तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑलरेडी कंपनी लॉ के प्रोवाइडेड हैं, बट ये बेसिकली इग्नू के लिए भी हैं, काफी सारी यूनिवर्सिटी के लिए हैं जो आप करके जा सकते हैं। सो अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स आपको बहुत अच्छे से करके जाना है, राइट, तो ये आप स्किप ना करें। नेक्स्ट आता है आपका डिफरेंस, आपको कौन सा करके जाना है, डिफरेंस बिटवीन ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स, ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स, राइट, तो बेसिकली डिफरेंस आप अच्छे से कर ले, लेकिन जो शेयर्स वाला टॉपिक है ना उसको बहुत अच्छे से करके जाए, डायरेक्टर से काफी बार क्वेश्चंस बनते हैं। टॉपिक मैं इसलिए देती हूँ क्योंकि पता नहीं होता, अगर मान लो मैंने डायरेक्टर की यहाँ डिफाइन बोल दिया आपको और वो पेपर में डिफाइन ना बोल के कुछ और आ गया तो दिक्कत हो सकती है, इसीलिए मैं टॉपिक बताती हूँ ताकि इससे रिलेटेड जो भी टॉपिक्स बनेंगे वो आप क्वेश्चंस बनेंगे वो आप करके जाएं। रेजोल्यूशन वगैरह, स्पेशल रेजोल्यूशन वगैरह पास किया जाता है, आपने पढ़ा होगा, अगर आप कॉर्पोरेट अकाउंटिंग साथ साथ पढ़ रहे हैं तो आपको पता होगा, ये छोटी छोटी टर्म्स हैं जो कि पूछी गई हैं। जर्नल मीटिंग वगैरह के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ के जाएं, इसको स्किप ना करें। एंड शॉर्ट नोट में मैं बताना चाहूंगी आपको क्या क्या आ सकता है, कभी कभार सेम भी आ जाता है, कभी कभी नहीं भी आता, सो शॉर्ट नोट में थोड़े से टॉपिक ज्यादा बढ़ जाते हैं, जैसे कि वाइंडिंग अप हो गया, ये टर्म आपको अच्छे से देख लेनी है। डिविडेंड के टाइप्स अच्छे से पढ़ने हैं, टाइप्स ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड में बहुत सारे टाइप्स हैं अगर आप लोग कॉर्पोरेट अकाउंटिंग साथ साथ पढ़ रहे हैं। कंपनी सेक्रेटेरियर क्या होता है इसके ऊपर आपको लिखना है, ठीक है, वो आपकी मर्जी है कि आप उसकी डिफाइन फुल फॉर्म
और उसके बारे में बताते हैं, उसका वर्ब बताते हैं, ये सारी चीज़ें हो गई. और नेक्स्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सबसे पहले तो जो स्टूडेंट वीक है, उन्हें लगता है इतना टाइम नहीं है, जॉब वगैरह कर रहे हैं, सो वो लोग ना सबसे पहले जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं ना, जो मैं ऐसे लिख रही हूँ, उनको पहले करना, उसके बाद बाकी के जो टॉपिक बच जाए वो करने हैं, वन शॉट वगैरह करना है. तो कंपनी के डिफाइन को बिल्कुल रट्टा मार के जाना है, सेक्शन भी रट लेना है. डिफाइन हो गई, फीचर्स वगैरह हो गए इसके, डिमेरिट्स वगैरह अगर बुक में है, नोट्स वगैरह में मिल जाएंगे तो डेफिनेटली करके जाना है. फिर से एक डिफरेंस आता है इसके अंदर, डिफरेंस थोड़े से ज़्यादा बनेंगे. डिफरेंस बिटवीन कंपनी एंड LLP के बारे में आपको पूछा गया है. कंपनी एंड LLP लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है, ये बहुत अच्छे से करके जाना है. प्रमोटर की ड्यूटीज़ एंड कुछ लाइबिलिटीज होती हैं, वो आपको अच्छे से करके जाना है. मतलब प्रमोटर वाला जो टॉपिक है ना, वो बहुत अच्छे से करके जाना है, जिसमें आपकी ड्यूटीज़ भी आ जाती हैं और आपकी लाइबिलिटीज़ भी आ जाती है प्रमोटर की, तो वो बहुत अच्छे से करके जाना है. नेक्स्ट आता है आप लोगों का AOA, यहाँ से भी आपको शॉर्ट नोट बन सकता है, डिफाइन बन सकती है, ये सब करके जाना है. नेक्स्ट पे अगर मैं आती हूँ तो ट्रांसफर ऑफ शेयर्स आपको अच्छे से करना है. मतलब मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि शेयर वाला टॉपिक अच्छे से करना है, बट ये कुछ कुछ टॉपिक है रिलेटेड टू नेम है, ताकि कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन ना हो, बट वो शेयर वाले टॉपिक में ही कवर हो जाता है. ठीक है, तो डिविडेंड का आप लोगों को मैंने बता दिया था, एज यूजुअल यहाँ पर डिविडेंड के बारे में बताया था. डिविडेंड, हाँ, टाइप्स ऑफ डिविडेंड, तो इसकी आपको डिफाइन वगैरह पढ़ लेनी है डिविडेंड के बारे में, वो अच्छे से करके जाना है. और वाइंडिंग अप आपको बहुत अच्छे से बता दिया है, वो भी आपको, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार रिपीट हुए हुए हैं ये वाले शॉर्ट नोट वाले, तो इनको ज़रूर आप करके ही जाएं. ठीक है, और शेयर वाले टॉपिक को मैं ऑलरेडी बता रही हूँ, उसके टाइप वगैरह हो गए, पहले भी बताता था शेयर के टाइप्स, ये सब आपको करके ही जाना है, इनको छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है, सॉरी. और ये सब हो गया. नेक्स्ट आता है हम लोगों का, जो आपको मैं बताना चाहूँगी, आपका आता है डायरेक्टर. डायरेक्टर वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी के बारे में आपको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है, इसके बारे में बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है, ये स्किप नहीं करना. नेक्स्ट हमारा आता है फॉर्मेशन ऑफ कंपनी है, फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, ये अच्छे से करके जाना है. ठीक है, प्रमोटर का मैंने आप लोगों को बता दिया है, ठीक है, प्रमोटर की ड्यूटीज लाइबिलिटीज बता दी गई है. और नेक्स्ट आता है इल्लीगल एसोसिएशंस के बारे में पढ़ के जाएं, ये टॉपिक पूरा अच्छे से कवर करके जाना है. और मैं हमेशा कहती हूँ कि इग्नू वाले स्टूडेंट ना एग्जाम्पल प्लीज साथ में जरूर करके जाया करें, क्योंकि इससे क्या होता है, अगर मान लो हमें कोई चीज़ याद है, एक लाइन हमने याद कर ली और उसका एग्जाम्पल हमारे माइंड में, तो डेफिनेटली क्या होता है ना, उस एग्जाम्पल से हम पैराग्राफ जल्दी बना लेते हैं, मतलब टॉपिक शीट्स जल्दी भर जाती हैं, पॉइंट्स अच्छे से लिख पाते हैं, क्योंकि एक एग्जाम्पल भी काफ़ी मदद कर देता है एंड टाइम पे. क्योंकि अगर कुछ भी उस टाइम पे तो बस एक वर्ड भी याद आ जाता है एग्जाम्पल में, तो भी हम दो पेज चार पेज आराम से लिख पाते हैं. सो और काफ़ी बार बोलता भी है समझाइए विद एग्जाम्पल. डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट अच्छे से करके जाना है, ठीक है, ये स्किप नहीं करना, स्किप तो मतलब करना ही नहीं है, जो दिए जा रहे हैं वो तो आप छोड़ ही नहीं सकते, तो ये करने हैं. शेयर्स का आपको बता दिया है, वैसे कंपनी सेक्रेटेरियल आपको अभी बता दें, जैसे बाय बैक आप बहुत अच्छे से करके जाना, आपने पढ़ा होगा अकाउंट्स में, तो बाय बैक ऑफ शेयर्स को अच्छे से कर लेना है. ठीक है, मीटिंग में आप लोगों को जो है मीटिंग वाला जो टॉपिक है, देखो मैं एक बार फिर से डिस्कस कर देती हूँ आप लोगों को. मीटिंग वाला टॉपिक मैंने आप लोगों को बताया था, आई गेस मीटिंग वाला टॉपिक, अगर कोई रिपीट हो जाता है आप उसको इग्नोर करें. मीटिंग वाला टॉपिक आप लोगों को बहुत अच्छे से करके जाना है, जिसमें वैलिड हो गया, वैलिड मीटिंग वगैरह हो गया. ठीक है, रेजोल्यूशन, MOA, ये सारे आप कर सकते हैं. डिफरेंस फिर से एक आ जाता है आप लोगों का, डिफरेंस तो आप मतलब सारे जितने भी शेयर एंड डिबेंचर का आपको डिफरेंस अच्छे से कर लेना है, शेयर एंड स्टॉक का बहुत अच्छे से डिफरेंस करना है. ठीक है, ये कुछ छोटे छोटे टर्म्स है, जैसे प्रॉक्सी है, ये भी पूछा गया था शॉर्ट नोट में. वाइंडिंग अप बता दिया है ऑलरेडी, लेकिन उस पर टाइप जो बनते हैं कंपलसरी वाइंडिंग अप, वो अच्छे से कर लेना है, वो ऑलरेडी बता चुकी हूँ. और नेक्स्ट आता है आप लोगों का कॉर्पोरेट वेल, ये तो आप लोगों की हर एक यूनिवर्सिटी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. मैंने जब DU वाले स्टूडेंट की वीडियो बनाई थी, सो वहाँ भी बताया था, और इग्नू वाले हों चाहे कोई भी हो, कॉर्पोरेट वेल का बहुत अच्छे से करके जाना है. और इनकॉरप्शन ऑफ द कंपनी, ये बहुत अच्छे से कर लेना है, इसको आप स्किप ना करें बिल्कुल भी. ठीक है, और कन्वर्जन आप लोगों को बता दिया है, एक टर्म यूज़ होती है अल्ट्रा वायर्स करके. ठीक है, तो ये भी अच्छे से करके जाएं. ठीक है, लिख देती हूँ वायर्स है. ठीक है,
और शेयर्स का वैसे आ गया था, लेकिन फॉर फ्यूचर आप लोगों ने पहले 12th में पढ़ा था, सो वो वाला ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, बट थोड़ा डिटेल में करके जाना है। कंपनी के मेंबर्स के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ लें, मेंबर ऑफ अ कंपनी, ऑफ अ कंपनी, ये अच्छे से करना है। शेयर्स तो मतलब इतना इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ पे साइड में लिख भी सकते हैं शेयर से रिलेटेड जो भी पूरा चैप्टर है, फुल चैप्टर, उसके टाइप्स हैं, उसके एग्जाम्पल सब कर ले, ठीक है। जैसे स्वेट इक्विटी शेयर है, ठीक है, ये हो गया, इसको अच्छे से कर लेना है। जैसे प्राइवेट, आपकी प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स हो गए, प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स हो गया, ठीक है। तो सारे ये शेयर्स में आते हैं, जैसे राइट्स हो गया। अब मैं एक और बताती हूँ, राइट और बोनस शेयर है, जैसे राइट और बोनस शेयर। तो मतलब शेयर से रिलेटेड इतने क्वेश्चंस बन रहे हैं, तो अभी मैंने आपको बोला शेयर से रिलेटेड जितने भी टॉपिक बनेंगे ना, वो आपको सारे कर लेने हैं, उनको बिल्कुल नहीं छोड़ के जाना, ठीक है। और डायरेक्टर वाला टॉपिक पहले भी बताया था, जैसे पावर ऑफ डायरेक्टर्स हो गई, ड्यूटीज हो गई, ये सारी आपको करके जानी है। डायरेक्टर वाले टॉपिक को तो बिल्कुल ना छोड़े, ठीक है ना। और सैलरी के बारे में आपको बता देती हूँ मैं, जैसे एक आता है नेशनल कंपनी कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, इसको बहुत अच्छे से समझ के जाओ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड्स हो गए, इक्विटेबल ग्राउंड्स, ठीक है, इसको अच्छे से कर ले। रेम्यूनेशन सैलरी वगैरह के बारे में आपको आना चाहिए, लास्ट बता देती हूँ, मैनेजरियल रेम्यूनेशन, रेम्यूनेशन, ठीक है। तो ये सारे हैं, लेकिन अगर मैं शॉर्ट में बात करूँ आप लोगों से, तो आप डायरेक्टर वाला टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और शेयर वाला फुल चैप्टर करके जाना है, इसको बिल्कुल ना छोड़े, और जो इंपॉर्टेंट बताए हैं वो तो सारे कर ही लेने हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।